आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। उरई जालौन जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह राजकीय इंटर कॉलेज उरई में आयोजित हुआ। समारोह में पूरे माह जागरूक करने वाले कार्यक्रमों की झलकियां भी प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई गई। समारोह में सड़क सुरक्षा माह में आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा, सड़क दुर्घटना में हर वर्ष हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस कारण ये है कि वे लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं। इस दौरान आए हुए सभी उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। समापन समारोह कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, देशभक्ति गीत पेश किए गए। सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने से होने वाली दुर्घटनाओं के बाद वाहन चालक और उसके परिवार पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को लेकर नुक्कड़ नाटक में प्रस्तुति पेश करने वाले कलाकारों ने सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए महाभर आयोजित कार्यक्रम रंगोली, स्लोगन, पोस्टर, फैंसी ड्रेस, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार शुक्ला, जिला विद्यालय निरीक्षक भगवत पटेल, एआरटीओ प्रशासन सोमलता यादव, एआरटीओ प्रवर्तन मनोज सिंह सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज जयपुर में भी सड़क सुरक्षा माह का समापन दिवस आयोजित किया गया। यहाँ पूरे माह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों को लेकर बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। निबंध प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, उसमें जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया और जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं उन सभी को पुरस्कार दिया गया है। प्रथम स्थान को 5,000, द्वितीय को 3,000 और तृतीय को 1,000 रुपये पुरस्कार में दिए गए हैं। इसके साथ ही बहुत से सांत्वना पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें शासन और प्रशासन दोनों एक ही संदेश देना चाहेंगे कि लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्हें अपने जीवन की सुरक्षा और अपने परिवार के प्रति दायित्वों को समझते हुए जब चार पहिए का प्रयोग करें तो सीटबेल्ट लगाएं, दो पहिए में हेलमेट का प्रयोग करें और गलत साइड से ओवरटेक न करें। इस तरह के विभिन्न नियमों का जब वो पालन करेंगे तो अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित कर पाएंगे और समाज को कुछ योगदान भी दे पाएंगे। मैडम, सड़क सुरक्षा की तो बात होती है, लेकिन अगर देखें ग्रामीण क्षेत्र जो है उसके जो रोड हैं सड़क वो सही नहीं है, इसके लिए क्या प्रयास करिए? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। ये हमारे जो भारत का टेरेन है उसको देखते हुए, हमारे जनपद की टेरेन को देखते हुए सड़कें बनती हैं, लेकिन कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। वहाँ पर भी इस तरह की दिक्कतें हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर, शासन की प्राथमिकता है कि कोई भी सड़क जो हो वो गड्ढे ना हो और हमारे नागरिकों को अच्छी जाम पुलिस जुड़ा जिससे मिला, तो यही हालात जोनपुर से प्रधान मार्ग पर हुआ है।